राकेश टिकैत जी खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये भी चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत जी का आप देख चुके किस तरीके से फुर्तीला एकदम से, और देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ने की भी कोशिश किया था, और राकेश टिकैत पीछे करा दिया। या कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कबड्डी की और कुश्ती का दंगल की ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा, क्योंकि दिल्ली वाले बागड़ी बिल्लों से किसी भी समय दो दो हाथ हो सकते हैं। अच्छा, जैसा खट्टर ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता लठ ले लो, तो हमारे बुजुर्ग तैयार हो रहे हैं। अखाड़े में आ गए टिकैत साहब कुश्ती लड़ने के लिए। देखिए अखाड़े में आ चुके, उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं टिकैत साहब कुश्ती लड़ने के। आज देखिए तस्वीर है और ऐतिहासिक उस वजह से ये तस्वीर है जो राकेश टिकैत जी खुद अब मैदान में उतर चुके हैं। और इससे पहले जो मैंने जो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया था वो तमाम नेतागण का था, तमाम किसानों का था। एकदम से तौ जी का आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एकदम पूरे मतलब फुर्तीले तौ से एकदम आए थे, एकदम पूरी तरीके से जो आए हुए हैं। और राकेश टिकैत जी खुद यहाँ पर है और एकदम से आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो राकेश टिकैत जी खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये भी चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत जी का आप देख चुके किस तरीके से फुर्तीला एकदम से, और देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ने की भी कोशिश किया था, और राकेश टिकैत जी ने एक को पछाड़ गिराया और उसे कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी, दूसरी टीम के तरफ से अब यहाँ पर एक तौजी आए हुए हैं और एकदम से वो एकदम साफ तौर पर राकेश टिकैत जी कहते हैं एकदम ज्यादा हिम्मत है तो आगे आ जाओ। अब देख ही सकते हैं आप एकदम तस्वीर है, तस्वीर आप देख सकते हैं एकदम से देख सकते हैं राकेश टिकैत जी पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन आप जो वो तस्वीर जो आप देख रहे थे राकेश टिकैत पकड़ने की कोशिश किए लेकिन हाथ से छूट गए। और इस जो एज में भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत दिलचस्प वाली बात है। और तो आप इसी से तस्वीरें देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा को थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं जो अनुज जी जो हैं जो लगातार किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मौजूद रहते हैं वो लगातार यहाँ पर हैं, कमेंट्री कर रहे हैं और एकदम देख सकते हैं किस तरीके से एकदम से पछाड़ गिराया। और यहाँ के जो जो कहीं ना कहीं एम्पायर कह सकते हैं वो एकदम से लगातार अपना इशारा करते रहते हैं जो अब उसे छोड़ दिया जाए जिसको आप पकड़ लिए हैं। अब देख सकते हैं दूसरी तरफ से राकेश टिकैत जी भी अभी मौजूद हैं खेल में, और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं इसका एक चीज़ दिलचस्प वाली बात यह है आप ये चीज़ देख सकते हैं किस तरीके से पछाड़ गिराया एकदम से। अब मैं आपको चीज़ दिखा रहा है, एक दिलचस्प वाली बात मैं बताना चाहूँगा। ये जो एक तौजी जो है उनका एज तकरीबन 80 से प्लस ही होंगे, 80-85 के आसपास होगा, और उनका जो जज्बा है, उनका जो खेलने का जो तरीका है, एक तरीके से दिल मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ से दूसरी टीम की तरफ से भी तौजी यहाँ पर निकल चुके हैं, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं और तमाम किसान नेता मौजूद हैं और किसान भी मौजूद हैं। एकदम से कबड्डी एकदम देख सकते हैं कि राकेश टिकैत पकड़ने की कोशिश की और फिर से हाथ छूट गया, और राकेश टिकैत समेत कई लोगों को जो काफ़ी दिलचस्प वाले हो रहे हैं। एक चीज देखने वाली बात है राकेश टिकैत जी खुद अब वहाँ पर गए हुए, दूसरी टीम को देख सकते हैं नीचे करो इतना उठा दे। इस खेल के माध्यम से एक चीज ये दिलचस्प वाली दिख रहा है जो ये जो जज्बा है मिट्टी का जो दम है वो मिट्टी में ही दिखाया जा सकता है। और इस तरीके के लोग एकदम देख सकते हैं तौसी एकदम उन्हें पिनकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खिंचलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिना पकड़े ही तौसी फिसल रहे हैं। और अब दूसरी टीम की तरफ से यहाँ पर गए हैं और देख सकते हैं वो उनका जो दिलचस्प वाली बात यह है जिसका मैंने बताया था लगभग तकरीबन 80 से ज़्यादा एज है, उनका दिलचस्प वाली बात ये है जो एकदम पूरे फुर्तीले हैं और पूरा उनका जो फोकस देख सकते हैं पूरी गौर से देखेंगे तो उनका खेल पर ही फोकस है और एकदम अपने खेल को लेकर कितना सतर्क है, एकदम फुर्तीले तौर पर है। और पीछे करा दिया या कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कबड्डी की और कुश्ती का दंगल की ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा, क्योंकि दिल्ली वाले बागड़ी बिल्लों से किसी भी समय दो दो हाथ हो सकते हैं। अच्छा, जैसा खट्टर ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता लठ ले लो, तो हमारे बुजुर्ग तैयार हो रहे हैं किसी भी दिन
सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो दंगल होगा। अच्छा, दंगल में जो जीतेगा उसकी मांग मानी जाएगी। दंगल का आयोजन इसलिए कहीं ना किया गया कि जो सरकार और किसान के बीच दंगल कराया जाएगा। दंगल होके तो मान लेंगे, ऐसे का मान रहे हैं। कब होंगे दंगल? वो खट्टर जिस दिन कह देगा, खट्टर कह रहा था लठ ले लो हाथ में, तो किसान तैयार होकर तैयारी कर रहा। अच्छा, तो मतलब उसी के चलिए लठ भी तो तैयारी करके लिया जाता ना, ये दंगल से तैयार होंगे पट्टे। पट्टे निकलेंगे, हाँ ये देख रहे हो, दाढ़ी वाले बाबा को देख रहे हो? हाँ। ये दिल्ली वाले दाढ़ी वाले उसे बागड़ बिल्ले को अपटकेगा। दो बागड़ बिल्ले दिल्ली में, नाम बताइए। दाढ़ी वाला मोदी, हाँ हाँ, और तड़ी पार वो गेंडा, कौन सा कौन का जन्मदिन है आज? तड़ी पार अमित शाह। अच्छा, वो दो बागड़ बिल्ले संवैधानिक पद पर वो है, आप उसको तड़ी पार के हमारी वोट से है वो, की अपने बाबा से रजिस्ट्री करवा के लाया था, हमने वोट दी थी, इसे संवाधिक पद पर पहुंच गया, दिमाग खराब हो गया, आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आप ही ने पहुंचा और आप ही वो मतलब उनको तरीके तरीके का नाम दे रहे हैं? अरे हमें क्या पता चोर निकलेंगे। अच्छा, हमें क्या पता मदारी है, नेता नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा। इनकी दुकान केवल झूठ पे टिकी हुई है, झूठ पे। एक दो झूठ बता दीजिए। झूठ एक आध सच आप बता दीजिए। पहला झूठ 15 लाख, दूसरा झूठ 2 करोड़ नौकरी, तीसरा झूठ बुलेट ट्रेन एक इंजन न खरीदा गया आज तक, तीसरा झूठ स्मार्ट सिटी, ये हर दिन एक झूठ बोलते हैं हर दिन। जी, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि चप्पल वालों को भी हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, तो बैठा दिया ना कुशीनगर में। हाँ बैठा दिया, कुशीनगर में नहीं बैठा दिया, अब वो ये कहेगा कि भाइयों बहनों जहाज हमारे हाथ में ही नहीं है, क्या करें। अच्छा, ये वो नक्कारे हैं जो प्रॉपर्टी बेच के 67 साल की सरकार की और अपना देश चला रहे हैं। अच्छा, मलिक जी वो तो कहते हैं जो भी हम काम करें वो जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बेचना जनता का हित है, जनता की संपत्ति को बेचना जनता का हित है, और पैसे भी मारे, बैंक से लोन दुआ दे, फिर ज्यादा कर्जा हो जाए तो वो करा दे, माफ करा देता है, ये कौन सा हित है भाई? वो गणित हमें भी समझा दे। अच्छा, शर्म नहीं इनको झूठ बोलते हुए, सरकार सुधर जाओ, देश जाग गया है। कल्ली वैक्सीन का रिकॉर्ड तोड़ा, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जताया है कि बहुत अच्छा काम किया, ये 100 करोड़ पूरे हो गए। जब वैक्सीन पर ना बन पाई ना तो ग्लूकोज मिला के इंजेक्शन लगा दिए, इतनी सी दवाई मैं भी लगवा कहा। मलिक जी, थोड़ी बाहर एक ली थी, जब तक मैं समझता ये वैक्सीन है। अच्छा, अब पता चला ढोंगा ग्लूकोज मिला के लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बता रहे आप ग्लूकोज मिला के लगा रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ जो जनता जो उनका वैक्सीन लिया है कहीं कहीं विश्वास पे ही नहीं लिए हैं? अरे विश्वास पे क्यों, ट्रेन में दवा मांगे, रेल जहाज में दवा मांगे, सर्टिफिकेट मांगे, उससे हो क्या रहा? अब मलिक जी खेल के बारे में बताइए, जिस तरीके का ये कबड्डी है और ये हमारा नेशनल खेल है देश का, कुश्ती और कबड्डी, उसमें पट्टे ना, ये हॉकी इन्होंने बना दिया, पहले कुश्ती था, और ये तैयार हो रहे हैं पट्टे, देखो 70 साल का पट्टा, 80 साल का पट्टा, 90 साल का पट्टा। मलिक जी, मैं आपसे ये चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, ये जो अभी जो हाथ ऊपर करके पकड़ करके एकदम तौजी से एकदम खड़े हुए हैं वो क्या है? ये शुरुआत है। हाँ, ये इनका इंट्रोडक्शन हो रहा। अच्छा, हाँ ये है प्लेयर, यही तो मारेंगे सरकार को। अच्छा, ये प्लेयर यही मारेंगे सरकार को, अरे दूसरे तो मार देंगे पड़ोसी की सरकार। नहीं नहीं नहीं, ये रिटायरमेंट या खेत में काम करते हैं, यही तो दिखाना कि खेत में काम करो, 90 साल का भी तुम जैसे एसी वाले बागर बिल्लों से ज्यादा मजबूत है। सरकार इस एज भी रिटायरमेंट दे देती है और आप कहां कुश्ती लड़वा रहे हैं? अरे इनकी जरूरत है ना कुश्ती की, क्या है ये रिटायरमेंट तो इनकी और के लिए, अब ये मारे वाला 70 का हो जाएगा इस बार, तो क्या ये भी रिटायरमेंट लेगा 24 में फिर पर्चा भरेगा बड़े वाला? दुर्योधन बड़े वाला कौन नाम क्या बताए? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र जी वो तो 75 के हो रहे हैं। हाँ तो वो फिर वो की नहीं हो रहा रिटायर, और के लिए कानून है इसके लिए ना, फिर भरेगा पर्चा। और भाइयों बहनों एक बार मौका और दे दो, अब क्या देंगे मौका से, गांव में को आ जाए वोट मांगने, बताऊंगे गांव से फोन आवे, चाची ताई नु कह रही है कि ट्रैक्टर की 4 सर्विस होली 20 लीटर धरा, ये भाजपा के नेताओं फेंकना। चलिए।